What concept I am going to tell you? Rolling friction. Yes, students, rolling friction, sliding friction से different है. Imagine कीजिए एक wheel है, that is lying on a surface. Wheel is lying on a surface. तो wheel के दोनों तरफ एक हम्प क्रिएट हो जाता है. क्या क्रिएट हो जाता है? हम्प. इमेजिन करो एक बहुत हैवी स्टोन व्हील की शेप का है, उसको आप कुशन के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर रख देते हो. जब मैट्रेस के ऊपर रखोगे तो जहां पर व्हील पड़ा है हैवी, वहां तो दब जाएगा और मैट्रेस के लेफ्ट एंड राइट में, मींस व्हील के लेफ्ट एंड राइट में हम क्रिएट हो जाएगा. अब इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स क्या एक्ट होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन इज अ लिमिटेड केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब इसके लॉज क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील. स्मॉलर द रेडियस, लार्जर इज द रोलिंग फ्रिक्शन. तो स्कूटर के टायर का फ्रिक्शन ज्यादा होता है मोटरसाइकिल के टायर के कंपैरिजन में. रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जितना वेट हैवी होगा, उतना रोलिंग फ्रिक्शन होगा. राइट. रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द व्हील इन कॉन्टैक्ट. जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रोलिंग फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा. अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एरिया. तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें, एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई द रेडियस इंटू एरिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. और एफ आर म्यू आर अपॉन आर इंटू ए, एंड इंस्टेड वी कैन राइट mg, where m is the mass of the wheel. So mu r is the coefficient of the friction. The only difference between the rolling friction and sliding friction is rolling friction depends upon area. Sliding friction is independent of area. तो आप देखते हैं students, जब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रिक्शन डिक्रीज कर जाता है. जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम बोर्ड के ऊपर आप पाउडर को स्प्रिंकल करते हो, तो पाउडर के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, जिसके ऊपर स्ट्राइकर रोल करता है. ऐसे लगेगा जैसे स्ट्राइकर के नीचे छोटे छोटे बॉल्स हो. इसी तरह स्कीइंग जब हम करते हैं तो स्कीइंग में जो आइस होती है वो आइस सरफेस नहीं होता सॉलिड, वो सर्कुलर स्फेरिकल आइस की छोटी छोटी सी बॉल्स होती हैं, और स्केटर्स जो है उसके ऊपर क्या करता है? रोल करता है.